अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, विजयनगर कॉलोनी में एक दरगाह है, मास्टर ट्रेन पुलिस स्टेशन हुदूद लगता है। इस दरगाह का नाम दरगाह हजरत सैयद सादात साहब की दरगाह है। ये कई साल पुरानी दरगाह है, लेकिन यहाँ पर एक ही मज़ार थी और कई लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता अब दूसरे भी मज़ारें बनने लगी हैं, दूसरे भी खबरें बनने लगी हैं। हद तो ये हो गई कि खबर में कोई है ही नहीं, सिर्फ खबर बनाई गई है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो चंदा के लिए, चंदे का कारोबार के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, जहाँ कोई दरगाह नहीं थी, सिर्फ एक ही मज़ार थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मज़ारें बढ़ती जा रही हैं और वहाँ पर गल्ले रखे जा रहे हैं ताकि चंदा अच्छा हो। ये चंदा माफिया का एक बहुत बड़ा स्कैम है। ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखने की, वक्फ बोर्ड में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं वो खामोशी अख्तियार करते हैं। कुछ रुपयों को मिल जाते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन आवाम के साथ इस तरह का धोखा किया जा रहा है। फौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, तहकीक करने की ज़रूरत है कि किस तरह का यहाँ पर स्कैम हो रहा है और लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और चंद रुपयों के लिए ऐसे लोग एक बड़ा धंधा बना के रखे हैं। चंदे का कारोबार कैसा कैसा हो रहा है हमारे शहर हैदराबाद में, आप देख सकते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, खबरें बनाई जा रही है। ये किसकी खबरें हैं, कौन लोग हैं ये जिनके नाम पर चंदे लिए जा रहे हैं, जिनके नाम पर वहाँ पर गल्ले रखे जा रहे हैं? सारी झूठी कहानियाँ बनाई जा रही है, इसकी तहकीक होने की ज़रूरत है, फौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड पहले से ही पूरी तरह से करप्शन में मुब्तला है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो इस पर तहकीक करे, काम करे, क्योंकि कई लोगों ने कंप्लेंट दी, लेकिन कंप्लेंट देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के जो जिम्मेदार इंस्पेक्टर है वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम है। जहाँ पर कब्रस्तानों पर कब्जे किए जा रहे हैं, वहीं पर इस तरह से दरगाहों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार, फौरन तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहीं के एक जिम्मेदार ने क्राइम टूर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से दरगाहों को भी अपने कारोबार का अड्डा बना रहे हैं और कल तक कोई खबरें नहीं थी, अब खबरें बनते जा रही हैं, इस पर फौरन एक्शन होना और तहकीक होने की ज़रूरत है। उन्होंने भी सारे तफसलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। ये फ्रेश बनी हुई है,
अस्सलामुअलैकुम। ये मासा टैंक हॉकी ग्राउंड के पास विजय कॉलोनी के एरिया में जो दरगाह बुजुर्गाने दिन की दरगाह शरीफ है, दरगाह हजरत सैयद सादात साहब की जो दरगाह शरीफ है, वहाँ पर देखने में आ रहा है कि नए नए खबरें 10-15 दिन हो रहा बना रहे खबरें, उसको दरगाह शरीफ के शक्ल में लाके पेश कर रहे और इधर शीना के बोल रहे यहाँ से कुछ करामत निकल रही है, यहाँ से कुछ करिश्मा हो रहा है, बल्कि पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, एक धंधा बना लिए, बिजनेस बना लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? जो भी वहाँ के सरफरोश है सब कार्रवाई करिए इन लोगों के ऊपर, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हैं? ये खबर हम बचपन से देख ले जा रहे, कोई खबर नहीं थी वहाँ पर, अब छोटे छोटे खबर बना रहे, एक दरगाह शरीफ की शक्ल में पेश करके बोल रहे यहाँ पर कुछ करिश्मा हो रहा, कुछ करामत हो रही, कैसा होती बताओ आप? एक धंधा बना लिया आप लोग, बिजनेस बना लिए, और गलत तरीका है, पब्लिक को परेशान मत करो, पब्लिक को गुमराह मत करो। आप जो भी वहाँ के सरफरोश है, मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द अपील है मेरी कि आप कार्रवाई करो। सब दरगाह थी वहाँ पर, हम बचपन से देख लेते आ रहे, जाते थे वहाँ पर, एक ही दरगाह थी वहाँ पर जो हजरत दरगाह हजरत सैयद सादत साहब बुजुर्गाने दिन की एक ही दरगाह थी वहाँ। आज इतने देखो, पलट के देखो इधर, पलट के देखो इधर, जाम हो गया, धंधा बना लिए, मोचर कटा लेके शुरू कर दे रहे काम, गलत तरीका है ये, क्या बोलते हैं, खुशबारी कहते हैं इधर से ना, क्या खुशबारी 15 दिन में 10 दिन में खबर बना है उसको दरगाह शरीफ की शक्ल में पेश कर रहे हैं आप, और गलत तरीका है आपका। जो भी है जो के सरफरोश, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ फौरन ये धंधा बंद कराइए आप, ये गुमराह करने के काम हटाइए, वो लोगों को जो भी कर रहे आगे यहाँ पर तमाशा, उनको हटाइए वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मेरी चार किताबें दुर्रे मदीना DURREYMADINA अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। दो सीरतुन्नबी जो सही मुस्लिम सही बुखारी कुरान के दलाइल के साथ आसान उर्दू में है, जो बच्चों और बड़ों की तालीम तरबियत के लिए बेहतरीन है, और इंतखाब शाहीन है जिसमें 2000 नाते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल दुर्रे मदीना के नाम से है, और 3 किताबें आने वाली है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये किताबें इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। मेरे बुक्स भी दुर्रे मदीना से है, मेरा चैनल भी दुर्रे मदीना से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नो के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।